इंट्रोडक्शन टू 3D। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू 3D बेटा स्टार्ट करना है। वेक्टर्स में हमारी पहली एक्सरसाइज पूरी पूरी मिलती हुई, पूरा चैप्टर ही वेक्टर्स के बेसिस पे ही है, पर पहली वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी हमारी वेक्टर्स के बेसिस पे ही है। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमारे पास एक्स आई वाई जे और जेड के, ये हमारे पास ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर अब आपको गिवन है तो यहाँ पर डायरेक्शन बेसिस हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, एक्स वाई जेड। अगर हम बोलेंगे कि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो जाएगा इसका बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जो का मैग्नीट्यूड दे देगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम लोग बोले कि हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए की एफ से, जो कि हमारा हो जाता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। हम लोग मैग्नीट्यूड को आर की फॉर्म में लिखते हैं और रिजल्टेंट भी बोलते हैं हम लोग इसको। ऑल्सो यहाँ पे जो हमारा ए कैप है ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डिवाइड बाय, मैं मैग्नीट्यूड को पूरा लिखने की जगह वहां पे आर लिख रहा हूँ। ए कैप हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बेटा एक्स अपॉन आर आई वाई अपॉन आर जे कैप जेड अपॉन आर के कैप, जिससे हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया ए के लिए। तो यूनिट वेक्टर जो हमारे पास ए के लिए आया है, यहाँ पे हमारे पास तीन क्वांटिटीज आई है, हमारे पास एक है एक्स अपॉन आर, एक है वाई अपॉन आर, एक है हमारा जेड अपॉन में आर। ये जो हमारे पास क्वांटिटीज आई है, क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्शन। तो पहले वाली है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, जो कि हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन आर, सेकेंड होगा हमारा एम वाई अपॉन आर, और थर्ड हमारा किसके लिए होता है एन, जो कि हो जाएगा हमारा जेड अपॉन में आर के। ऑल्सो जो भी हमारे पास ए वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्म करा है, सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस का एंगल बनाएगा अल्फा, वाई के साथ बना रहा बेटा बीटा, और जेड के साथ बना रहा ये गामा आपका फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग जो एल को हम लोग और के लिखते हैं कॉस अल्फा, एम को लिखेंगे कॉस बीटा, और एन को हम लोग लिखते हैं कॉस गामा। फिर ऑल्सो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, एलसीएम हमारे पास सेम है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, जिससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कटके का आंसर आ जाएगा वन। तो हमारे पास वन स्क्वायर किसकी वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू वन है। सो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, और एल हमारा किसके लिए होता है बेटा कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, तीनों की हमारे वैल्यू कितनी आ जाएगी वन के बराबर आ जाएगी। फोन फेंक दूंगा मैं भाई जिसका भी बड़ा पड़ा, फिर मैं बोलना मेरा फोन तोड़ दिया सबने, चलो पढ़ लो या बाहर चले जाओ। तो कॉस स्क्वायर गामा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वन के बराबर आ जाएगा। क्या रहे जी फिर हमारे पास आता है राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के हमें डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगा बेटा जीरो, एक्स एक्सिस वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा 90, और एक्स वाला जेड के साथ कितना बनाता है 90। तो हमारे पास क्या है अल्फा बीटा एंड डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, that is cos 0 cos 90 cos 90 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन तुम्हारे कितने आ जाएंगे बेटा 1 0 0 आ जाएगा। क्लियर है जी? और ऐसे हां बेटा बोलो गामा 90 कैसे हुआ, अभी 3 डायमेंशनल की फिगर 2 डायमेंशनल की, देखो जैसे हैंड हमारा या कोई भी एक क्यूबॉइड, ये रूम है हमारा, रूम कौन सी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। सो दिस इफ दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा जेड एक्सिस हो जाएगा। अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड में बनाऊं, अगर मैं क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दूं
तो इस टाइप का हो जाएगा ना, तो दोनों के वर्टिसेस जो हमारे एजेस हैं इसमें एंगल वाला कितना होता है 90 डिग्री। रूल ले लो, ठीक है, रूल में भी बताया इसको, एक तरफ एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाई एक्सिस है और इस तरफ जेड एक्सिस है, सब में एंगल वाला कितना होता है 90 डिग्री। और ऐसे अगर हम वाई एक्सिस के लिए बनाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो कितने हो जाएंगे वो वाई वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा और एक्स के साथ कितना बनाएगा 90 और जेड के साथ कितना बनाएगा 90। तो हमारे पास कितना हो जाएगा cos 90 cos 0 कितना वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी 0 1 0। सिमिलरली z एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1 आ जाएगा और डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे दो। क्लियर है ये? फिर अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स वर्टिसेस आपको गिवन है, इसके सपोज वैल्यू है बेटा x1 y1 z1, q की बेटा वैल्यू है x2 y2 z2, p की वेक्टर फॉर्म कैसे करते हैं बेटा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 किया जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा इससे हमारा। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि कभी भी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला में क्या था, हमारे पास ए वेक्टर है और एक दूसरा बी वेक्टर है, इंटरनली ये डिवाइड हो रहे हैं m टू n रेशियो में, तो इंटरनली जब डिवाइड हो जाएगा तो वहां पे नया वेक्टर तो सी वेक्टर बनेगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। और अगर यही आपका एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो हो जाएगा हमारे पास एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन। एनसीईआरटी निकालो, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज होगी हमारी, सारा का सारा वेक्टर्स के बेसिस पे ही था वो। ये पुराना वाला एडिशन है, पेज नंबर 466 एग्जांपल नंबर 1 आपको बोल रहे हैं, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 60 एंड 30 विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। एग्जांपल 1 एंगल कितना बन रहा है बेटा 90 60 एंड 30, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे कितने हो जाएंगे cos 90 cos 60 एंड cos 30। cos 90 वाली होती है 0, cos 60 वाली कितनी होती है cos 60 1/2, cos 30 is √3/2। सेकंड क्वेश्चन इज द इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोस 2 -1 -2 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो 2 -1 -2 क्या गिवन है x y z की वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व करके हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे एंड देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली हमारे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 33 है, एग्जांपल नंबर 3 में आपके दो पॉइंट्स गिवन है, जो हमारे पास यहां पे P और Q दो पॉइंट गिवन है, यहां से हम क्या करेंगे उनका वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म करने का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो मांगेगा सॉल्व उसको कर सकते हो। क्लियर? एग्जांपल नंबर 4 बोल रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स वाई जेड एक्सिस, के पिछले पेज में उन्होंने कर दिया था एक्स वाई जेड के लिए तीनों के लिए। एग्जांपल नंबर 5 तीन पॉइंट हम लोगों को कोलिनियर दिखाने हैं, तो कोलिनियर दिखाने का प्रोसेस हमारे पास क्या है, तीन पॉइंट्स अगर हमारे पास आ रहे हैं, तीन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियोस फॉर्म करिए और ए सी के लिए डायरेक्शन रेशियोस फॉर्म कर लो या बी सी के लिए डायरेक्शन रेशियोस फॉर्म कर लो। ए बी और एक तो फॉर्म करने पड़ेगा, दूसरे स्टेप में ए सी या बी सी किसी भी फॉर्म कर लो, तो हमें एक दूसरे का मल्टीपल आ रहा होगा, मतलब कि एक दूसरे का लैम्डा कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा होगा। अरे यहाँ पे ए की वैल्यू पढ़े तो ए की बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको 2 3 -4, बी के क्या है 1 -2 बेटा, कोई एक ही पढ़ दो 1 -2 और सी के लिए 3 8 -11। सो ए बी के लिए अगर हम फॉर्म करेंगे तो 1 -2 कितना हो जाएगा -1, नेक्स्ट कितना हो जाएगा हमारे पास -2 -3 -5, ऐसी ए बी का सॉल्व 3 -4 is 7। ए सी के लिए फॉर्म करिए बेटा 3 -1 is 1, 8 -3 कितना हो जाएगा 5, -11 + 4 is -7। सो वी कैन सी ओवर हियर कि डायरेक्शन को साइन जो ए बी के हैं और ए सी के दोनों आपस में क्या है -1 का मल्टीपल है, तो मतलब तीन पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। ऐसी आप बी सी के लिए एक मिनट, हाँ ऐसी बी सी के लिए फॉर्म करिए तो 3 -1 कितना बच्चे 2,
8 माइनस माइनस 2 इज 10, माइनस 11 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 14. सो अब अगर हम ए बी और बी सी को कंपेयर करें तो माइनस 2 का मल्टीपल आ रहा है, विच अगेन रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या आपस में कोलिनियर है. कभी भी तीन पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे तो किसी एक के डायरेक्शन रेशियो किसी के दूसरे के मल्टीपल आ रहा होगा. क्लियर है जी. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखिए, पांचों के पांचों क्वेश्चन सेम है हम लोगों के जो हम लोगों ने करे हैं, ये तो पूरे का पूरा ही आपका होमवर्क है जी सर. सिंपल से एक्सरसाइज है, वेक्टर्स के बेसिस पे ही आराम से सॉल्व हो सकते हैं. खुद बैठ कर सॉल्व करो तो मैक्सिमम सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, ये 10 क्वेश्चन करने में इससे ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए. अभी हो जाएगा बट अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. आपको जितनी पुरानी क्वेश्चन किसी का सोचो ना प्लेन भी है तो प्लेन हमारा सिलेबस में नहीं है, इस बार हमारा क्या लाइन है. तो लाइन की हम लोगों को इक्वेशन निकालनी है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आर वेक्टर से. अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पहली कंडीशन आपको क्या दिया होगा कि कोई भी लाइन एक किसी पॉइंट से, ये आर वेक्टर ले लेते हैं, किसी एक पॉइंट ए से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 यहां से क्या हो रहा होगा पास हो रहा होगा. एंड यही वाली जो लाइन है ये किसी दूसरी लाइन बी वेक्टर के क्या है पैरेलल है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वो पॉइंट है ए और किसी दूसरे वेक्टर के क्या है वो पैरेलल है. तो पैरेलल वाले को कन्वेंशनली हम लोग लेट कर देते हैं क्या वो बी वेक्टर है जिससे पास और उससे क्या फॉर्म होगा ए वेक्टर फॉर्म होगा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आर इज वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. इक्वेशन क्या हमारी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कौन सा वेक्टर जिससे पॉइंट पास हो रहा है प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्योंकि जिसके पैरेलल है, क्योंकि जिसके पैरेलल होती है वो हो सकता है हमारा कोलिनियर भी हो सकता है तो इसलिए हमारा लैम्डा टाइम हो जाएगा. ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा. क्लियर है जी. तो आर वेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा. आपको ये पेज नंबर आप साथ में बुक में भी बेटा मार्क कर लीजिएगा, पेज नंबर 468 पे गिवन है. ठीक है, न्यू बुक में दिखाओ मेरे एडिशन, नए वाले एडिशन में पेज नंबर 382 है. तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ऊपर वेक्टर बना हुआ है तो लाइन की हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है. अब इसमें हमें दो इक्वेशन लर्न करनी पड़ेंगी, एक तो वेक्टर इक्वेशन और एक हम लोगों को लर्न करने की पड़ेगी बेटा कार्टेशियन इक्वेशन. अब कार्टेशियन इक्वेशन वो इक्वेशन हो जाएगी जिसमें हमारा वेक्टर फॉर्म नहीं आ रहा होगा, वो सारा सारा एक्स वाई जेड की फॉर्म में है. अगर हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन, और जो वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा तो वो हमारा वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा. सो अगर मैं कार्टेशियन की फॉर्म में लगता हूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा x - x1 y - y1 z - z1 x1 y1 z1 x1 y1 z1 हमारे वो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं जिससे पॉइंट जो लाइन है वो हमारी पास हो रही है. लाइन पास कैसे हो रही है, ए पॉइंट से. जब वेक्टर इक्वेशन थे तो हमने निकाल रहे थे तो उसको ए वेक्टर मान लिया था, यहां पे x1 y1 z1 आ जाएगा. अपॉन में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का डायरेक्शन रेशियोज है. किसके डायरेक्शन रेशियोज है, जिसके पैरेलल है. छोटा ए छोटा बी छोटा सी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, ये सारे के सारे हमारे क्या है बेटा डायरेक्शन रेशियोज है. किसके बी वेक्टर के. बी वेक्टर हमारी कौन सी इक्वेशन है, बी वेक्टर हमारी वो इक्वेशन है जिसकी हमारी जो लाइन जिसके क्या है पैरेलल है. क्लियर है जी. इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सपोज दैट find the equation of a line which is passing through the point 1, 2, 3 and parallel to a vector b vector suppose 2i plus 3j plus 4k. पहले पॉइंट जो पास हो रहा है दूसरे के पैरेलल है, तो जिससे पास हो रहा है इससे हम लोग a वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, जिसके पैरेलल है वो हमारा कौन सा है b वेक्टर है. तो इक्वेशन क्या होगी बेटा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k लैम्डा टाइम्स ऑफ b. b की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j प्लस 4k. अब देखो पहले में यहाँ पे भी i आ रहा है यहाँ पे भी i आ रहा है, तो क्या करेंगे i के आपको कॉमन ले लो तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2 लैम्डा i 2 प्लस 3 लैम्डा j
and 3 plus 4 lambda k के इक्वल आ गया। कह रहा है चीज k हमारे पास कहां पे आ रहा है, यहां पे और यहां पे है ना, पर लैम्डा के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक से, तो उससे 3 plus 4 lambda आ जाएगा। और इसी j निकालने के लिए हम लोग 2 plus 3 lambda लेंगे। कह रहा है चीज पक्का। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, वेक्टर। और अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालने आएगा तो कैसे करेंगे, कार्टेशियन की इक्वेशन कितनी है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन c। x1 कितना हमारा 1, क्योंकि 1 2 3 से पास हो रहा था, तो y1 2 हो जाएगा, z1 हमारा 3 आ जाएगा। abc क्या हो जाएगा, जो b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। b वेक्टर की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 plus 2i plus 3j plus 4k, तो इसकी हमारे पास वैल्यू ऐसे नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 3 एंड 4 आ जाएगा। कह रहे हैं चीज डाउट इससे नहीं बेटा, बस इतना ही रहता है। कह रहा अब अगर कार्टेशियन दे देगा, कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं, और वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर। नेक्स्ट अगला जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। पहले लाइन क्या थी हमारी, किसी एक पॉइंट से पास हो रही थी और एक के हमारे पैरेलल थी। अब आपको क्या बोल रहा है, किसी दो पॉइंट से पास हो रही है, जब लाइन किसी दो पॉइंट से पास होगी तो आर वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लाइन अगर दो पॉइंट से पास हो रही है तो किसकी इक्वल हो जाएगा, ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की इक्वल आ जाएगा। क्लियर है जी। पर अगर इसकी हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है बेटा x माइनस x1, अभी न्यूमरेटर्स लिख रहे हैं सारे y माइनस y1 z माइनस z1, डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे बेटा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1। ये सेम ही तो है जो हमने पीछे पढ़ा, ऊपर की तरफ x1 y1 z1 और तो x माइनस y माइनस z माइनस, नीचे की तरफ क्या था एबीसी। एबीसी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो ये x2 माइनस x1 भी क्या होता है, दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो होता है, y2 माइनस y1 भी क्या होता है, दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो होता है। ले रही है। अब इस केस में कर लेते हैं दोबारा से, एक पॉइंट 1 2 3 से पास हो रहा है और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 3 माइनस 4 5, इन दोनों पॉइंट से लाइन हमारी पास हो रही है, तो ये पहले वाले से हम ए वेक्टर फॉर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आई प्लस 2j प्लस 3k। दूसरा हमारे पास बी वेक्टर यहां से फॉर्म करेंगे, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3i माइनस 4j प्लस 5k। इक्वेशन क्या बेटा, ऊपर a प्लस लैम्डा b माइनस a, तो b माइनस a को पहले फॉर्म कर लेते हैं, b माइनस a करेंगे 3 माइनस 1 इज 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस लैम्डा b माइनस a, a की वैल्यू हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा इज b माइनस a, b माइनस इज 2i माइनस 6j प्लस 2k। कह रहे जी, तो यहां से अगर हम दोबारा से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा k। कह रहे जी, पर इसी के लिए अगर कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट ये हमारा पेज नंबर 469 पे गिवन है और दूसरी बुक में 383 पे गिवन होगा, पेज नंबर 470 एंड 384 पे आपके पास गिवन है, नए वाले एडिशन में 384 पेज होगा, 383 पे ये बना है।
नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है बेटा इसके अंदर एंगल बिटवीन टू लाइंस। वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वहां से हम लोग वैल्यू निकालते थे कॉस थीटा की, ए डॉट बी अपॉन में ए बी निकालते थे। एंगल जो रहेगा वहां पर पॉजिटिव एंगल ही लेंगे हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जो हमारे पास ए वेक्टर है इसको हम लिखते हैं बेटा ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू डिवाइड बाय ए का मतलब पहले वाले का मैग्नीट्यूड, मतलब कि ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब क्या है कि थीटा कितना हो जाएगा 90, तो कॉस 90 का वैल्यू कितनी होगी 0, सेम ऊपर पुट कर दो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो एलएचएस से कॉस 90 की अगर वैल्यू 0 होगी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 तो हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? हां जी बेटा, a1 a2 कैसे आया बेटा, a वेक्टर, ये जो a वेक्टर है ये इस बार हमारे पास जो वेक्टर में पढ़ा था वो हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है जिसको हम लोग a1 लिख देता हूं मैं, a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, जो हमारे पास b वेक्टर है वो है a2 i b2 j c2, ये दो लाइंस की इक्वेशन हमारे पास वेक्टर फॉर्म, इनके बीच में हमें एंगल निकालना, तो ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है बेटा? हमें तो ये लाना है, ये वाला और ये वाला। अब दो लाइन आपस में पैरेलल भी हो सकती है, हाँ दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उस केस में ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू तीनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। क्लियर है जी? दो लाइन अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे आपस में, रेशियो में होंगे। ये है ना परपेंडिकुलर, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वन एंगल 90 होता है, यहां पे दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। क्लियर है?